बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। श्री जय सिद्धेश्वर जी, इतनी संक्षेप में बात हो तो अच्छा है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे नागर विमान मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के समर्थन पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं नागर विमान उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित मातृदेश लाने में वापस लाए। इनमें सोलापुर, उस्मानाबाद, सांगोला, सतारा, अन्य अन्य महाराष्ट्र के कई विद्यार्थी रहे, इसलिए मैं उनका मैं साधुवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय नागर विमान मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सोलापुर न केवल देश में बल्कि विदेश में भी वस्त्रोद्योग हब के रूप में प्रसिद्ध है। माननीय मंत्री जी से जानते हैं कि सोलापुर से चादर, बेडशीट, टॉवेल और स्कूल यूनिफॉर्म कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। सोलापुर में हवाई अड्डा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा बंद है। इस हवाई अड्डे पे केवल निजी विमान का आवागमन होता है सर। सोलापुर से हवाई सेवा उपलब्ध न होने से सोलापुर के उद्योग और पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उड़ान सेवाओं के अभाव में कई उद्योग सोलापुर से दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। भले ही सोलापुर में उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है, लेकिन उड़ान सेवा न होने के कारण सोलापुर में नए उद्योग आना पूरी तरह से बंद है। सोलापुर से हवाई सेवा मांग सदन में मैं पिछले दो साल से कर रहा हूं सर, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। जन भावनाओं को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सोलापुर जब तक बोरामणी एयरपोर्ट नहीं बनेगा तब तक अलायंस एयर कंपनी द्वारा डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो 19 सीटों की है, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निर्देश दें कि वो एनालिस करें। और सर, इसी के साथ अलायंस एयर कंपनी डोर्नियर जो 22 एयर सर्विस जून या जुलाई में प्रारंभ होने वाला है, उसको सोलापुर से ही शुरू करें, इस तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं सर। जी, जी। बोलने के लिए अवकाश प्रदान की श्री धन्यवाद। दीपक भाई जी, माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। किसन चीफ, तो मैं कोशिश करूं एक मिनट अपनी बात रखूं।